जी क्या नाम है आपका? अमित सिंह नाम है मेरा, जिला प्रभारी हूँ हिंदू युवाई में। गौकशी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गौकशी आए दिन कॉलोनी के अंदर गौकशी हो रही है, जिसे आज तिलकराम कॉलोनी में एक गौकशी का मामला सामने आया है, जिसमें हम बैठे हुए हैं और गौ मास यहाँ पड़ा हुआ है, उसे लेकर जो है प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसे लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं। आशु और क्या क्या मांग है इसके अलावा? इसके अलावा जितने भी हमारे लोनी में अवैध रूप से मीट का कारोबार चल रहा है, वो तो टोटल बंद होना चाहिए, तभी ये गौकशी, और ये गौकशी तो तुरंत बंद होनी चाहिए, मीट की दुकानें तुरंत बंद होनी चाहिए। शुभम कुमार नाम जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि आज दो गौ के बछड़ों के साथ मतलब गौ हत्या की गई है कुछ लोगों ने रात यहाँ पे तिलकराम कॉलोनी में, कविता विहार में, तीन चार लोगों ने मिलकर की है। आज सभी हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी लोगों में रोष है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी किसी की, कोई व्यक्ति यहाँ से नहीं उठेगा। और लोनी बॉर्डर थाने के सामने, शिव मंदिर के सामने ही कुछ लोग अवैध रूप से बिरयानी और चिकन दरबार खोल के बैठे हुए हैं, महज 10 मीटर की दूरी पर थाने शिव मंदिर की, और सभी लोग मौके पर मौजूद हैं, सभी संगठन के लोग मौजूद हैं, हिंदू रक्षा दल हो, HRD हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सभी लोगों में रोष है। अगर इनका कोई समाधान नहीं होता इस चीज़ का, तो आज रोड जाम किया जाएगा, सभी लोगों में रोष है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचने की व्यवस्था कर रहे हैं, लोनी बॉर्डर थाने का घेराव भी करेंगे और लोनी मेन रास्ता जाम। इस गौकशी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम आसू ठाकुर है, निवासी जवाहर नगर। हम सभी लोग हिंदू संगठन से आए हुए हैं, यहाँ पर जो गौकशी हुई है उसी के विषय में पुलिस प्रशासन SHO साहब आए थे, जो गोवंद सत्याग्रह के कुछ टुकड़े थे वो इंस्पेक्टर साहब अपने साथ ले गए, बाकी लोग जो यहाँ के कॉलोनी थे उन्होंने भी छोड़वा दिए। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, थाने के सामने जितनी भी अवैध थैली है, बिरयानी वगैरह, नॉन वेज बिरयानी जितनी भी है, सब कुछ अटैच, दिल्ली चिकन दरबार रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी हैं, ये सब आज ही तत्काल रूप से बंद किया जाए। जिस पर लाइसेंस है वो अपना गट्टी कर और अपनी मास्क की दुकान चलाए, उन्होंने नहीं तो। बताया जा रहा है कुछ दिन पहले भी गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया? हाँ जी, हाँ पहले भी हुई थी। हम लोग कई बार नाम तक नाम से रिपोर्ट करते हैं लेकिन कोई नहीं उठता। सबसे पहले तो ये प्रोग्राम नहीं है, ये दो फैलो होगा अंदर और उस पर रोष व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये ठीक करेंगे, प्रोग्राम नहीं है। चलो रोष नहीं, इस चीज़ को आप प्रोग्राम नहीं कह सकते। एक तो आप मजाक बना रहे हो, गौकशी होगी आपके क्षेत्र में, ठीक है? अगर पुलिस प्रशासन इसमें सहमत नहीं है या इसमें शामिल नहीं है तो ये कैसे हो रहा है?